खगड़िया बिहार। खगड़िया में उप मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गई। खगड़िया जिले में उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री बिहार रेणु देवी का खगड़िया आगमन बाद उनके अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार कक्ष में जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में बाढ़ की वर्तमान स्थिति के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री को कराया। खगड़िया जिले में अत्यंत बाढ़ प्रभावित जिला है। जिले में कुल 5 बड़ी नदियां गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और कमला गुजरती है। इन नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षापात की स्थिति से जल स्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जिले के सभी प्रखंड आंशिक या पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। रिपोर्टर सुदर्शन कुमार, खगड़िया बिहार। और जो हमें बिहार से इस बार संतुष्टि मिला है कि हमारे बाढ़ में हमारी जनता को ज़्यादा जो तकलीफ है उसे हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी हमारे विभाग और सभी अधिकारी हमारे अलर्ट हैं। और सरकार ने पहले ही मंशा जताई थी और 6 महीना पहले से हम जनवरी से ही काम कर रहे थे कि हमारे यहाँ किसी तरह की बाढ़ में जनता को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये तो आपदा है, आपदा में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे सभी चाहे जल संसाधन हो चाहे RCD हो चाहे जो भी विभाग है, हर विभाग अलर्ट होकर खड़ा है कि कहीं से कोई फूल ना टूटे, कहीं से कोई बांध ना टूटे, कहीं से किसी को दिक्कत ना हो, हमारी जनता को तो समय भोजन उपलब्ध हो जाए। इसके लिए आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में 1753 हमारे सामुदायिक केंद्र चल रहे थे। इस तरह से हर प्रकार के और यहाँ भी हमने जिला की जो समीक्षा की है उसमें हमारी जनता के साथ हमारी पशुओं का भी हमारा साथ में रहता है। पशुओं को भी हमारे चारे की कोई कमी नहीं हुई है और हम लोग की कोशिश है कि बांध कहीं से भी ना टूटे और जनता को हम जितना सहायता कर सकते हैं जितना हमारे लिए है। इतनी अच्छी बात है कि जो डियर हमारा है यहाँ 40,000 डियर बच चुके हैं तो अब हम लोगों ने सीधे उनके खाते में डालते हैं, कहीं कोई कभी नहीं कुछ ले सकता है। इसलिए जब जनता को जब साथ है तो आप देखे होंगे कि इस बार जनता भी आपके साथ में है, कहीं भी कोई चिंता नहीं कर पा रही है, कोई बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि सब चीज़ हम उपलब्ध कराएं, चाहे सूखा राशन हो, चाहे गीला राशन हो, चाहे खाने की सुविधा हो, ये सारी चीज़ सुविधा जब मिल रही है तो सामुदायिक किचन में हमारे लाखों लाख लोग एक साथ खा रहे हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है, सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि गरीब से गरीब जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो और उनका जो मापदंड है खेती गई है खेती का भी आकलन हो रहा है, जो भी इनपुट अनुदान है हमारे कृषि विभाग का निश्चित रूप से उनको मिलेगा। कहीं कुछ बैठक में विधायक जी ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर, कृषि विभाग को लेकर, शराब को लेकर के अपनी शिकायत दर्ज की है, आप क्या भरोसा? ऐसा कोई नोकझोंक नहीं होता है, ना कोई शराब की बात है। हमारा अपना कर्तव्य बोध कराने की होती है, जब एक दूसरे के लोग पूरक होते हैं ना तो अगर थोड़ा नोकझोंक ना हो तो क्या मजा आता है। इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ये मंशा नहीं कही है कि यहाँ शराब है या कुछ मंशा ही नहीं है उनका। उनका कहना है कि हमारा प्रशासन भी जितना हम बाढ़ के लिए अलर्ट है उसे मेरा प्रशासन भी अलर्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रशासनिक में जो अपना SP है या और भी DIG है, सारे लोग अलर्ट